सबसे पहले मैं लॉन्स यूनिवर्सिटी जैसे हमारे एनटीएस की स्टूडेंट्स सरापा इत्जाज हैं, बेलसबेला यूनिवर्सिटी मैरीन साइंसेस की स्टूडेंट के हवाले से बात करूंगी कि जो बच्चा इतना अरसा अपना वक्त देता है, अपना पैसा देता है एक फील्ड में एक्सपर्टीज के लिए, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है हमारे यंग जनरेशन के लिए। एक एप्लीकेशन लॉन्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत पहले भी रेज की थी और अभी भी मैं उनके बिहाफ बात करूंगी कि जिस तरह आबी वसाइल की वजह से, जैसे सुना जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना वो पानी का ही होगा, तो हमारे लॉन्स यूनिवर्सिटी का जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका जब क़याम अमल में लाया गया, अभी तकरीबन 300 से ज़ायद ग्रेजुएट्स जो तुलबा तलबा हैं 10 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आजकल बेरोज़गार और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उसकी वजूहत यानी यहाँ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे कि आया हम अगर टीचिंग के पोजीशंस इतने ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो आया जो हमारी ये फील्ड्स है चाहे वो वाटर मैनेजमेंट है चाहे वेटरनरी है तो ये क्यों इग्नोर्ड हैं, इसकी बेहतर मनसूबाबंदी की जाए और जो IWRM के प्रोजेक्ट में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स है उनको काइंडली जो 300 से ज़ायद वाटर मैनेजमेंट के और 300 से ज़ायद वेटरनरी की है इनको एडजस्ट करने के लिए इनके लिए अलहदा डायरेक्ट्रेट्स बनाए जाएँ या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ इनको अटैच किया जाए ताकि हमारे ये बेरोज़गार जितने भी बच्चे हैं ये ज़ाया ना हों। नंबर एक इसको जो है ना ज़रा देखा जाए। और सेकेंडली जो NTS के मुतालिक कहा गया है कि 8 महीने से बैठे हुए और उनका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, इसी तरह मैं थोड़ा सा किडनी सेंटर के हवाले से यह बात की करना चाहूँगी। 2015 से किडनी सेंटर में 267 एम्प्लॉयज अपॉइंट हुए हैं, अटैचमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे और कंटिजेंट तीन लेवल पे उन्होंने अपने जो स्टाफ हायर किया है, आया उसमें उस जोनल पॉलिसी को अप्लाइड किया गया है? अगर किया गया है तो वो यहाँ पेश किया जाए किडनी सेंटर के। और उसके अलावा जो पोजीशंस वेकेंट थे इनके पास, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर एडमिन एंड डायरेक्टर फाइनेंस, कोई भी अपनी फील्ड से रेलेवेंट बंदा इस वक्त अपॉइंटेड नहीं है। ये मैं आपके नॉलेज में, इस तमाम ऐवान की नॉलेज में लाना चाहूँगी, इनकी एक्सपर्टीज अपने इस फील्ड में नहीं है। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है ये सिर्फ हमें जब कहते हैं कि तबकों में यानी बांटने की ज़रूरत है तो यहाँ पे भी बाइसनेस देखिए, स्पेसिफिक कुछ ही डोमिनेटिंग लोग हैं जो इस 20 बेड के हॉस्पिटल पे जो है ना डोमिनेटेड हैं। IIS स्टाफ की जो अपना जोनल पॉलिसी है उसको हमें पेश किया जाए कि उसी के मुताबिक ये स्टाफ हायर कर रहे हैं और जो है ना मज़ीद इसमें बेटरमेंट के लिए क्या लाए मले, और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को दोबारा रिव्यू किया जाए किडनी सेंटर का। थैंक यू। शुक्रिया मैडम।